दोस्तों मैं आज आपको बेसन और सूजी से बर्फी बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी सूजी ले ली है और एक कटोरी बेसन। तो सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट करने के बाद में अब यहाँ पर डाल देंगे आधी कटोरी घी। आधी कटोरी घी में से मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया है, वो बाद में डालेंगे। तो घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में यहाँ पर डाल दिए कटोरी बेसन। बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेसन में घी कम लगे, ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो इसमें जो बचा के घी रखा था वो और डाल देंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 5 से 7 मिनट हो गए थे चलाते हुए, तो अब ये लिक्विड बन गया है। तो बबल से आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हल्का सुनहरा कलर तक बूंदना है और सीखने के बाद में अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। तो उस टाइम पर यहाँ पर डाल देंगे दूध। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच खाने वाली छोटी चम्मच 3 चम्मच दूध डाला है। तो दूध डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूध इसलिए डाला है, दूध से बर्फी में दानेदार बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से बर्फी में दाना बन के तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर लिया है, तो अब यहाँ पर बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी ली है और आधी कटोरी पानी। और चाशनी बनने के लिए गैस के ऊपर फुल गैस पर रख दिया है और 2 से 3 मिनट में चाशनी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे चाशनी को हल्के से तार की बनानी है, पूरे एक तार की नहीं बनानी है। तो यहाँ पे हल्का सा एक तार बनना स्टार्ट हो गया है। तो गैस को अब बंद कर देंगे। तो चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने चाशनी को बैटर में मिक्स कर लिया है, बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बैटर को दोबारा से गरम, कढ़ाई को दोबारा से गैस पर रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें चाशनी गरम है तो इसलिए अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और गाढ़ा बन गया है। तो अब यहाँ पर लिया है एक प्लेट। प्लेट को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करने के बाद में यहाँ पे बैटर को डाल दिया और अच्छे से बर्फी को सेट कर लिया है। तो यहाँ पे बर्फी को काटते हुए मेरी वीडियो कट हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने बर्फी काट के तैयार कर ली है।